अगर आपके चेहरे पर डार्कनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या फिर आपके चेहरे पर किसी अन्य स्टेरॉइड क्रीम को यूज़ करने के कारण डार्कनेस आ गई है या फिर आपके फेस पर काफ़ी मात्रा में साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं और आपके चेहरे का स्किन टोन नेचुरली रूप से थोड़ा सा ज़्यादा डल हो चुका है, यानी कि सनटैन की प्रॉब्लम की वजह से आपके चेहरे पर थोड़ा सा कालापन आ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी क्रीम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इन सभी प्रॉब्लम्स को आपको ठीक करने में हेल्प करेगी, और दोस्तों वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लियोबियर लिमाटो स्किन वाइटनिंग क्रीम और वन टोन नीम क्रीम। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, मैंने इन दोनों के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें वन टोन स्किन वाइटनिंग क्रीम को डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड किया जाता है, जबकि जो लिमाटो स्किन वाइटनिंग क्रीम है उसके अंदर कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है जो कि आपके फेस को नेचुरली रूप से फेयर बनाने में हेल्प करती है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे और जानेंगे इनके यूजेस, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वन टोन स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में। ये दोस्तों मेडिकल स्टोर पर मिलती है और ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, बट दोस्तों ये स्टेरॉइड क्रीम नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ नहीं किया, पर दोस्तों इसके अंदर केमिकल इंग्रेडिएंट्स डले हैं, इनके बारे में हम झुटला नहीं सकते। तो गाइस, आपको क्या करना है कि जब आप इस क्रीम का यूज़ करें तो आपको ये लगाकर धूप में ना जाएं, और दोस्तों आपको ये 2 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, और दोस्तों आप इसका ओनली नाइट में ही यूज़ करें। और जब आप इस क्रीम का यूज़ करें तो इसके साथ में अन्य कोई केमिकल वाली क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर दोस्तों मैंने आपको बताए हुए तरीके से ही अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पर काफ़ी मात्रा में अच्छा खासा, यानी कि 2 टोन तक स्किन वाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा और आपके चेहरे पर फेयरनेस आ जाएगी। बट दोस्तों, मैंने जो तरीका आपको बताया है आप उसी तरीके से इसका यूज़ करना। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं लियोबिया कंपनी की तरफ से आने वाली लिमाटो स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में। ये दोस्तों मैंने अमेजन से परचेस की थी, और दोस्तों बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की तो फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स के तौर पर कोजिक एसिड, लेमन एक्सट्रैक्ट, टमाटो एक्सट्रैक्ट एंड एल ग्लूटाथियोन का यूज़ किया है। तो गाइस, ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग एक एजेंट होता है जो कि हमारे चेहरे को नेचुरली रूप से फेयर बनाने में हेल्प करता है। तो गाइस, ये हमारे फेस को 2 से 3 टोन तक फेयर बनाने में हेल्प करता है, यानी कि स्किन वाइटनिंग क्रीम का ये काम करती है। और दोस्तों बात करें इसके यूजेस और बेनिफिट्स की, तो गाइस इसका यूज़ किया जाता है हमारे फेस के और जो डार्कनेस की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, सनटैन की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, और जो और स्किन वाइटनिंग क्रीम होते हैं स्टेरॉइड वाली क्रीम, उनसे हमारे चेहरे पर साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसके हमारे फेस पर किसी प्रकार के साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको यूज़ करके धूप में लगाना चाहते हो, यानी कि इसको लगाकर आप धूप में जाना चाहते हो, तो इसको लगाकर आप धूप में भी जा सकते हो, आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम या फिर डार्कनेस वगैरह की प्रॉब्लम ना होगी। तो दोस्तों ये दोनों ही क्रीम में काफ़ी बेस्ट है। अगर आप दोस्तों फेयरनेस के लिए यानी कि स्किन वाइटनिंग के लिए इनका यूज़ करना चाहते हो तो इनका यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रकार की साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इन दोनों को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।